हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी के लिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की हमारी सीरीज हमारी जो ज्योग्राफी जो की सीरीज होने जा रही है वो हमारी प्री प्लस मेंस होगी ठीक है तो इन सभी सेशंस को मैं प्री एज वेल एज मेन्ज दोनों को कंसिडर करके करवाऊंगा क्योंकि मैंने आपको हमेशा से कहा है कि ऑलवेज बी मेन्ज रेडी तो अगर आप प्री में बैठ रहे हैं तो मेन्स को ध्यान में रख के हम बैठेंगे ब्री में ऑल राइट लेकिन आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स को हमेशा की तरह बताना चाहूंगा कि आर्ट एंड कल्चर एंशेंट मेडिवल मॉडर्न इन सभी सेशंस को प्री रिलेटेड जो सेशंस थे उनको थॉरली फॉलो करें उन यूट्यूब आपको कॉन्सेप्ट चैनल पर वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेक श्योर कि आप उन सभी सेशंस को फॉलो करें उनमें जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें उसके अलावा स्पेशल क्लासेस में मैंने करवाए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के उसके अलावा पिछले 20-25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए और अब हमारी हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज़ चल रही है जिसमें अभी हमारे पेपर वन के सेशंस चल रहे हैं जल्द ही पेपर टू के सेशंस होंगे पेपर टू के सेशंस में जो वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के सेशंस मैं करवाऊंगा दे विल आल्सो सर्व एज सेशंस फॉर जी एस सो नो मैटर आपका ऑप्शनल कोई भी हो राइट right? जो मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल की पेपर टू की सीरीज़ होगी वो आपके जी एस वन के सेशंस की तरह भी सर्व करेगी सो मेक श्योर कि आप मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल या स्पेशल क्लासेस के साथ जुड़े मेरी स्पेशल क्लासेस को एक्सेस करने के लिए अन अकेडमी के पोर्टल पर आप मेरी प्रोफाइल ढूंढें उस प्रोफाइल को फॉलो करें ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें उसके अलावा अभी मैंने जोग्राफी की सीरीज़ आज से शुरू कर रहे हैं हम ठीक है तो ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कहा करेंगे बिल्कुल सही समझा आपने स्पेशल क्लासेस में लाइव इंटरेक्शन होगा और वहां पर हम आपके डाउट्स भी रिजोल्व करते रहेंगे साथ ही साथ ठीक है और बहुत इंपॉर्टेंट बात सिंस ये सीरीज जो है वो प्री प्लस मेन्ज दोनों है तो बिल्कुल सही समझा आपने मेन्स से रिलेटेड आंसर राइटिंग भी हम स्पेशल क्लासेज में यानी कि मेन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और आंसर राइटिंग भी करेंगे राइट स्पेशल क्लासेस के साथ जरूर जुड़ें यूट्यूब सेशंस को जरूर फॉलो करते रहें मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें आपको फर्दर सभी अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी अगर आपने अभी तक स्पेशल क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो आपको नहीं पता कि हमारी स्पेशल क्लासेस कितनी ज्यादा इंटरेक्टिव होती है राइट right? जितने भी मोस्ट इंपॉर्टें क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाता हूं मैं उसमें पोल्स कंडक्ट करवाता हूं आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पर हम काम करते हैं आप अपने डाउट्स जो है वो देयर एंड देन मुझसे रिजॉल्व करवा सकते हैं कोई भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे उसके अलावा आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे और आप कहीं भी किसी भी समय बैठकर इन वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि कोई आप जो है वो मतलब रिपीटेडली इन वीडियो को अनलिमिटेड टाइम्स जो है वो देख सकते हैं ठीक है सो मेक श्योर कि आप जो है वो जुड़े मेरी स्पेशल क्लासेस के साथ उसके अलावा यूपीएससी सीएससी थरो प्रिपरेशन के लिए एन अकेडमी लेकर आए आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली की लाइव क्लासेस हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस लाइव टेस्टर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट मिलता है लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहता है आइकॉनिक प्लान्स क्योंकि आइकॉनिक में आपको ज्यादा फीचर्स मिलेंगे लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि एक साल या उससे ऊपर के प्लान को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फीचर्स मिले आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाता है आपको टेस्ट एनालिसिस आपके टेस्ट का एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके अलावा एक्सपर्ट की गाइडलाइन स्टडी मटेरियल स्टडी प्लानर या आइकॉनिक के एडिशनल फीचर्स हैं राइट right. उसके अलावा ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन आप अलग से भी ले सकते हैं लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो ऑफर आप लें ताकि आपको ज्यादा अच्छा प्राइस भी मिले और ज्यादा फीचर्स भी मिले आपको और एक साल से ऊपर की सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो काफी सारे फीचर्स आपको मिलते हैं दस परसेंट डिस्काउंट के लिए आप डेफिनेटली कोड यूज करेंगे मेरा दैट इज चौहानसर हिस्ट्री उसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं हैंकेडमी के आइकॉनिक एंड प्लस प्लान्स को

स्ट्री अदर देन दैट आई ड्रीम एंड फ्रीडम ऑफर अभी आप चल रहे हैं ठीक है फ्लैट ऑफ है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का फोर्टी थाउजेंड एंड फिफ्टी टू थाउजेंड का एक साल के प्राइजेज आपको पढ़ते हैं फोर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स सेवेंटी नाइन आफ्टर द फ्लैट ऑफ ऑफ ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जिसमें आपको प्री प्लस मेन्स प्लस ऑप्शनल टेस्ट सीरीज मिल रही है ठीक है जी एस प्लस ऑप्शनल के आपको कोर्सेज मिलेंगे और स्टडी भी प्रोवाइड किया जाएगा तो एक बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी होती है अगर आप इन कॉम्बो ऑफर्स को सब्सक्राइब करते हैं राइट ये कॉम्बो ऑफर पर है फ्लैट ऑफ एक साल दो साल और तीन साल मेक श्योर sure कि आप सब्सक्राइब करें और जुड़े इन ऑफर्स के साथ ठीक है उसके अलावा ऑप्शनल कार्निवल चल रहा है इलेवन अगस्त से कुछ सेशन शुरू हुए हैं अब अठारह अगस्त से होने जा रहे हैं सो मेक श्योर कि आप जुड़ें सब्सक्राइब करें जीएस प्लस ऑप्शनल को ताकि आपको आपकी ऑप्शनल की जर्नी जो है वो थोड़ली शुरू हो सके उसके अलावा टेस्ट सीरीज है ठीक है ऑप्शनल की मेंस की प्री की मतलब प्री और मेंस की जोड़कर एटी टेस्ट की सीरीज है राइट जिसकी बर्थ है फोर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज लेकिन अगर आप एक साल या उससे ऊपर का कॉम्बो ऑफर लेते हैं तो आपको ये साथ में मिलती है तो बहुत बेहतरीन जो है वो आपको अभी ऑफर मिल रहे हैं ठीक है उसके अलावा लोन अवेलेबल वल है यूपीएससी के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं कोई इंटरेस्ट रेट नहीं कोई हिडन चार्ज नहीं दो घंटे के अंदर अप्रूवल बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क ठीक है लोन का प्रोसीजर चेकआउट करने के लिए हर नई यूट्यूब वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा मेक श्योर यू चेक दैट आउट एंड यूज़ माय कोड चौहान सर हिस्ट्री अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो ठीक है उसके अलावा तमिल बैचेस शुरू हो रहे हैं अभी और प्रिलिम्स स्कोर बूस्टर एम सी क्यू बैचेज एक साल के बैचेज दो साल के बैचेज तो जुड़े इन सभी बैचेज के साथ और थरो जो है वो जर्नी अपनी शुरू करें उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है अन अकेडमी चुनौती पाथ फाइंडर वर्ल्ड अफेयर अनलॉक करने के लिए कोड यूज़ कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री राइट सो so, अब हम शुरू करते हैं वी विल बी स्टार्टिंग आर टुडे सेशन दैट इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू जोग्रफ़ी ठीक है आज हम सिलेबस समझ रहे हैं बेसिकली कि हमें पढ़ना क्या है मैं आपको पढ़ाऊँगा कैसे ठीक है मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी जो है वो क्या रहेगी आपकी पढ़ने की फिलॉसफी क्या रहेगी रहे एक बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है सिलेबस में आपको समझाऊँगा कि हमें कितने सिलेबस से जो है वो गुजरना है ठीक है और एक समझ रहे हैं पूरी जर्नी शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है राइट सो प्री प्लस मेन्स जो है वो हमारा ये कोर्स रहने वाला है जोग्राफी का ठीक है अगर हम प्री की बात करें तो प्री में जोग्राफी इन्वायरमेंट इकोलॉजी को मिलाकर देखा जाए ठीक है और मेंस के लिए आप इनको अलग अलग पढ़ सकते हैं ना ज्योग्रफी जीएस वन के लिए इकोलॉजी इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट ये जो है वो आप अलग अलग पढ़ सकते हैं बट कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते सब्जेक्ट है इसीलिए मैं इनको एक ही आ, क्या बोलते हैं फ्लो में पढ़ाऊंगा यानी कि पहले हम ज्योग्राफी कवर करेंगे देन आई विल डील विद एनवायरमेंट इकोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट राइट पैरेलल में मैं साइंस चलाऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी सो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना इन सब को हम पैरेलल ही चलाकर रखेंगे ठीक है ना ज्योग्राफी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का अगर हम सिलेबस देखते हैं तो क्या क्या आएगा यहां पर ज्योग्राफी में राइट या अगर सिंपल बात बोली जाए कि ज्योग्राफी को आप कितने हिस्से में तोड़ सकते हैं ठीक है अब जो इन्वायरमेंट एंड निकोलॉजी है ना इसको कुछ समय के लिए आप इग्नोर करें ठीक है इसको अभी जो है वो आप ना कंसिडर करें क्योंकि इन्वायरमेंट एंड निकोलॉजी हम अलग से पढ़ेंगे बट मैंने यहां पर स्टिल इंक्लूड किया है क्योंकि प्रिलिम्स जो हमारा रहता है उसमें तीस के अराउंड क्वेश्चन बनते हैं अगर आप पिछले Uh, मतलब 2011 के बाद का अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करते हैं जो कि जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ तब आपको ट्रेंड एनालिसिस वहां पर अच्छे से समझाऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से राइट right. बट अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं अगर आप 2011 के बाद का ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं ना 2020 तक का तो आप का, पाएंगे कि कहीं ना कहीं 30 क्वेश्चंस के अराउंड जो है वो आपको ज्योग्राफी और एन्वायरमेंट इकोलॉजी के मिला के जो है वो क्वेश्चंस बनते हुए मिलते हैं ठीक है जिसमें मेजोरिटी पार्ट जो है वो ठीक है जोग्राफी या एनवायरमेंट की अगर आप बात करें एनवायरमेंट इकोलॉजी तो मेजॉरिटी पार्ट आपको एन्वायरमेंट इकोलॉजी यानी कि अराउंड ट्वेंटी एंड प्लस माइनस दो तीन सवाल ऊपर नीचे जो है वो आपको सवाल कहाँ से आते हुए नजर आएंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले पार्ट से ठीक है और जोग्राफी से आपको कहीं ना कहीं दस के अराउंड जो है वो सवाल बनते हुए नजर आएंगे तो ये एक बहुत मोटा मोटा सा एनालिसिस मैंने आपको बताया बहुत वेग से एनालिसिस आपको बताया जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा ठीक है आपको पता है हमने हिस्ट्री के भी किस तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे थे बीस पच्चीस साल के जोग्रफी के भी उसी तरह बीस पच्चीस साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से, अच्छे से से सॉल्व करेंगे ठीक है खैर वहां पर आपको मैं समझाऊंगा कि देखिए किस टॉपिक में से कौन सा जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है ताकि एक थरो जो है वो आपको सेंस बने कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है ठीक है खैर यहां पर एक वेग एनालिसिस मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी के टेन के अराउंड क्वेश्चन और इकोलॉजी के ट्वेंटी के अराउंड क्वेश्चन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पूरे टॉपिक में से Prelims में 30 के जो है है वो सवाल आपको बनते हुए नजर आएंगे ठीक लेकिन अब आप कहेंगे कि हमारा फिर ज्यादा फोकस एनवायरमेंट इकोलॉजी पर होना चाहिए है ना लेकिन पॉइंट ये है कि ज्योग्राफी में छुपे हैं कॉन्सेप्ट आपको ज्योग्राफी को अच्छे से समझना पड़ेगा देन ओनली जो है वो आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी को और डीपली अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं ना मेजोरिटी क्वेश्चन इन्वायरमेंट इकोलॉजी से बनता हुआ अगर आ रहा है और अगर इन्वायरमेंट इकोलॉजी को अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है तो हमें पहले जोग्राफी को बहुत स्ट्रांग तरीके से समझना होगा ठीक है ये मेरे पढ़ाने की फिलोसफी है अब धीरे धीरे मैं आपको समझा भी रहा हूँ हमारी अप्रोच क्या होगी ठीक है इन्वायरमेंट इकोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चंस को टारगेट करना है उसके लिए हम जोग्रफी को अच्छे से समझेंगे ताकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी को हम बहुत अच्छे से टारगेट करें जितना समय हम जोग्रफी में लगाएंगे उतना ही या उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी को समझने में भी लगाएंगे ठीक है मतलब परसेंटेज वाइज देखा जाए तो पॉइंट ये है कि बीस सवाल के अगर आसपास आ रहे हैं तो मतलब समझ रहे हैं कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये टॉपिक्स ठीक है खैर लेकिन अगर ज्योग्राफी की बात हम करें यहां पर तो ज्योग्राफी को कितने हिस्से में आप बांटेंगे ठीक है तो जोग्राफी को आप बांट सकते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट राइट उसके बाद जो है वो आप बांटेंगे क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी ओशियनोग्राफी और इंडियन जोग्राफी में से इंडिया की फिजिकल जोग्राफी और ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जोग्राफी नाउ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जोग्राफी जो है वो ओवरऑल भी हमें पढ़नी है और इंडिया की भी पढ़नी है ठीक अब ये सारा खेल जो है वो है क्या देखिए मैंने आपको बताया था पढ़ने की हमारी जो है वो हमें किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है मैंने आपको हमेशा से क्या फॉर्मूला दिया है कि ऑलवेज बी मेंस रेडी ठीक है दैट मींस आपको प्री के लिए नहीं पढ़ना है प्री क्या है प्रिलिम्स जो है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ठीक है यूपीएससी सीएससी का प्रिलिम्स जो है वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ताकि मेंस में केवल उन्हीं बच्चे बत... ताकि जो एक्चुअल एग्जामिनेशन है वो केवल वही बच्चे दें जो जो एक्चुअल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर्ड दैट बच्चा जो में बैठता है अब प्री और के में थोड़ा बहुत फर्क हमें ठीक है बट अगर हम मेन्स को कंसीडर करते हुए पूरे सिलेबस को कवर करेंगे तो प्री का ऑटोमेटिकली कवर होता जाएगा ठीक है So, पहली चीज ठीक है जो, जोग्राफी के कितने हिस्से हैं इसको और डिटेल में समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी अप्रोच जो है वो क्या होनी चाहिए ठीक है तो पहला जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है ऑलवेज बी मेंस रेडी तो आप कहेंगे कि प्री प्लस मेंस जो है वो हमें अपने आप को तैयार करना है और हमारा खासा ध्यान जो है वो मेंस पर होना चाहिए यानी कि मेन प्राइमरी एम्फोसिस हमारा मेंस पर होना चाहिए और फिर मेंस में ऐसे पॉइंट्स जो कि प्रिलिम्स में इंक्लूडेड होते हैं मेंस में नहीं होते हैं, उनको हम इवेंचुअली जोड़ते चले जाएंगे बहुत सारा डायनामिक वाला पार्ट जो है वो वहां पर आप रख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट चीज पहले चीज तो आप प्री प्लस मेंस जो है वो तैयार करेंगे दूसरी चीज आप स्टैटिक प्लस डायनामिक तैयार करके चलेंगे राइट हमें स्टैटिक यानी कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं है ना देखिए ज्योग्राफी एज अ सेपरेट साइंस जो है वो बहुत पहले से पढ़ी जा रही है ग्रीक के टाइम से चले जाएंगे इंडिया में भी एंशंट टाइम्स में जो है वो जोग्रफी को स्टडी करने की कोशिश की गई बट जोग्राफी जो मॉडर्न सेंस में हम जोग्रफी एज अ साइंस या जोग्रफी एज अ सब्जेक्ट स्टडी करते हैं वो आपको कहीं ना कहीं नाइनटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी या नाइनटीन सेंचुरी के बाद यूरोप में और फिर यूरोप ने जहां जहां पर कॉलोनाइज़ किया वहां पर डेवलप होती हुई नजर आएगी ठीक है सो दैट मींस जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना जोग्रफी के वो हो सकता है कि कोई एटीन सेंचुरी में डिस्कवर हुआ हो कोई नाइनटीन में कोई ट्वेंटी में कोई ट्वेंटी में तो वो सभी क्या है वो हमारा सभी स्टैटिक डेटा है ठीक है जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी फिजिकल फिनोमिनाज हैं उनको मतलब कुछ फिजिकल फिनमिनाज को कांस्टेंट मानकर जो है वो बाकी सब कैलकुलेशंस करते हैं ठीक है तो ऐसा तो आ गया स्टैटिक डेटा स्टैटिक कॉन्सेप्ट बहुत सारे लाइक like, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी अगर हम पढ़ेंगे या ओशियानिक करंट्स को पढ़ते हैं तो ये सारे क्या हैं आगे समझाऊंगा ये सारा हमारा स्टैटिक डेटा है लेकिन दूसरी चीज है डायनामिक मान लीजिए ओशियानिक करंट्स में कोई रिसेंट चेंज आया या साइक्लोन्स के पैटर्न में कोई रिसेंट चेंज आ रहा है ठीक है सो दैट मीन्स जोग्राफी के साथ डायनामिक जोड़ना बहुत जरूरी है प्री एज वेल एज मेन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है आप स्टैटिक के साथ डायनेमिक जोड़कर चले और ये डायनेमिक कहां से मिलेगा हमें करंट अफेयर से मिलता है ठीक है दूसरी चीज उसके अलावा और क्या आप इंटीग्रेट करके चलेंगे आप एज एज वेल अप्रोच ये तीनों ही चीजों पर फोकस में अगर आप मेरे पिछले सेशंस फॉलो करते आए हैं तो इन तीनों ही पॉइंट्स पर मैंने आपको बहुत बार बोला है कि हमें ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट चीज है इंट्रा डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच हमें रखनी है, है ना दैट मीन्स इंट्रा डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है जोग्राफी के अंदर यानी कि जोग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लाइमेटोलॉजी ओशियनोग्राफी जियोमार्फोलॉजी इंडियन जोग्राफी या इंडियन फिजिकल जोग्राफी या ह्यूमन जोग्राफी इकोलॉजी बायो जोग्रफ़ी इन सारे कॉन्सेप्ट को जोड़कर पढ़ना है एक दूसरे के साथ अलग अलग नहीं स्टडी करना क्योंकि अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं पिछले पिछले सेशन अगर आप देखते आए हैं अच्छे से तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमारी इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच किस तरह काम करती है जैसे मैंने हिस्ट्री के लिए समझाया था ना पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक कल्चरल सोशल रिलीजियस हिस्ट्री उन सबको जोड़कर पढ़ेंगे तब हिस्ट्री डेवलप होगी या अभी हिस्ट्री ऑप्शनल वाले टॉपिक्स में मैंने मॉडर्न अप्रोच आपको समझाई है कि वहाँ पर समझाया था ना मैंने आपको कि इंटर अप्रोच क्या होगी इंटर अप्रोच हिस्ट्री को समझने के लिए आपको आर्कियोलॉजी एज वेल एज लिटररी सोर्सेज एज वेल एज एंथ्रोपोलॉजी जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी इन सब का इस्तेमाल करके आपको हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है सेम गोज फॉर जोग्राफी ठीक है जोग्राफी को अगर आपको अच्छे से समझना है तो इंटर डिसिप्लिन यानी कि जोग्रफ़ी के साथ आपको हिस्ट्री इकॉनमी पॉलिटी ठीक है एंथ्रोपोलॉजी पेलींटोलॉजी जियोलॉजी इन सारे कॉन्सेप्ट को जोड़कर हम जोग्रफ़ी को समझेंगे ठीक है तो ओवर द पीरियड जैसे जैसे हम टॉपिक डेवलप करते जाएंगे आपको मैं इंट्रा और inter -disciplinary approach पर और अप्रोच पर डेप्थ में ले जाऊंगा मत घबराइए ठीक है लेकिन अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं ये कॉन्सेप्ट मैंने काफी अच्छे से आपको समझाए हैं कि आपको प्री प्लस मीन स्टैटिक प्लस डायनामिक और इंट्रा प्लस इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो रखनी होगी तब ही जाकर आप कह सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट की दिस इज नॉट जस्ट फॉर जियोग्राफी दिस इज फॉर एवरी सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आप यूपीएससी सीएससी के लिए पढ़ रहे हैं ठीक है खासतौर पे जो भी ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट अगर आप यूपीएससी सीएससी के लिए पढ़ रहे हैं उसमें अगर आप ये अप्रोच रखेंगे प्री प्लस मेंस को तैयार करेंगे स्टैटिक्स प्लस डायनेमिक एंड इंट्रा प्लस इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच तो एक बेहतरीन जो है वो तैयारी आपकी होगी आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेगी ठीक है तो पहला पॉइंट तो आई गेस जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से समझते होंगे और अगर आप पहली बार मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं या पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं रेकमेंड तो यही करता हूं बार बार कि आप पिछले सेशंस ज़रूर देखें और अगर आप सब्सक्राइब करने जा रहे हैं अन का कोई भी कोर्स तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज़ करें चौहान सर हिस्ट्री और मुझे अपना सपोर्ट दिखाएं जिस सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है ठीक है सो पहली चीज़ तो हमें समझ आएगी हमारी अप्रोच क्या रहेगी ठीक है हम प्री प्लस मीन डायनामिक प्लस इंट्रा इंट्राप्ल इंटर डिसिप्लिनरी ठीक है नेक्स्ट चीज हम देखते हैं अब हम सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं कि हमने ज्योग्राफी को कितने हिस्से में बांटा है तो यहां पर तो मैंने पॉइंट्स में लिखा है अगर मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताऊं तो ज्योग्राफी को हम बांटेंगे कितने हिस्से में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी के देन हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में जियोमोरफोलॉजी ठीक है क्लाइमेटोलॉजी ओशियनोग्राफी सॉइल को भी आप अलग से पढ़ सकते हैं लेकिन सॉइल जो है वो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी आ जाएगा लेकिन आप सॉइल को चाहें तो अलग से भी पढ़ सकते हैं ठीक है वैसे सॉइल पर एक पूरा डिटेल में टॉपिक मैं लूंगा ही उसके अलावा इंडिया की जॉग्राफी जो हम पढ़ते हैं राइट इंडिया की जॉग्राफी में इंडिया के फिजिकल फीचर्स एज वेल एज इंडिया की ह्यूमन जोग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को आप अलग से भी पढ़ेंगे ठीक है यानी कि वर्ल्ड लेवल पर ग्लोबल लेवल पर भी और इंडिया के लिए भी स्पेसिफिक अब यहां पर जोग्राफी को समझने के लिए ना ये तो आपने बहुत बार देखा होगा इस तरह मैं आपकी समझ बहुत आसान कर देता हूं ठीक है इतने ज्यादा हिस्से में ना बांटकर मैं बिल्कुल दो हिस्से में बांटता हूं कि पहली चीज है ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट ठीक है पहले हमें जोग्राफी के कॉन्सेप्ट समझने हैं और फिर उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है इंडिया पर सिंपल इज दैट इंडिया या वर्ल्ड पर भी अप्लाई दोनों पर ठीक है इतने में हमारी ज्योग्राफी जो है वो निपट जाएगी वैसे अगर हम एक्सपेंड करके देखें तो ये सब उसके अलावा बायो ज्योग्राफी भी अगर हम इंक्लूड कर लें यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी इंक्लूड कर लें तो ये ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स हैं और भी बहुत सारे हैं लेकिन हमें केवल इतना पढ़ना है राइट right? अब ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के साथ अगर आप जोड़कर पढ़ते हैं तो वो बन जाता है आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस ठीक है और अगर आप अलग से पढ़ेंगे तो वो जीएस का सिलेबस बन जाएगा तो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो हमारा पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस कवर हो जाएगा देन वी विल बी कवरिंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बट माइंड इट प्रिलिम्स के लिए ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी आप जोड़कर पढ़ेंगे वो तीस सवाल जो है वो आपको क्योंकि बहुत जगहों पर ये एक दूसरे की बाउंड्रीज को स्टेप करते हुए नजर आएंगे आपको यानी कि आपको इंटर डिसिप्लिनरी क्वेश्चन बनाते हुए नजर आएगा यूपीएससी देखिए इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी आपको आप जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे पिलेम्स का तो आपको मतलब गारंटी नहीं है कि वो डायरेक्ट मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो है वो आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक से निकलता हुआ मिल जाएगा आप कह सकेंगे यस ये क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी से है ओशियनोग्राफी से है ठीक है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो इंटर होंगे यानी उसमें एक थोड़ा सा क्लाइमेटोलॉजी और थोड़ा सा इकोलॉजी जुड़ता हुआ थोड़ा सा डायनामिक थोड़ा सा स्टैटिक जुड़ता हुआ मिलेगा ठीक है बोथ और मेंस में यूपीएससी की अप्रोच रहती है और यही कमीशन देखना भी चाहता है आपके अंदर क्या आप इंट्रा एज एज वेल एस अप्रोच समझ पाए हैं या नहीं और अगर नहीं समझ पाए तो मत घबराइए इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए ज्योग्राफी की बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको मैं और अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप इंट्रा और इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच को अच्छे से समझ भी गए ठीक है खैर सो जैसा कि मैंने कहा अगर बहुत आसान मतलब बिल्कुल आसान भाषा में अगर बोलना हो तो जोग्राफी के कॉन्सेप्ट हैं और उन कॉन्सेप्ट को हम इंडिया और वर्ल्ड पर समझने की कोशिश करेंगे ठीक है चलो हमने इतना जो है वो डिस्कस कर ही लिया है तो हम आई होप आपने ये चार्ट जो है वो ड्रॉ कर लिया होगा मैं मिटाने जा रहा हूं वैसे ये मैंने पॉइंट्स के माध्यम से भी लिखा हुआ है ठीक है यहां पर मैं आपको एक जोग्राफी की बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन दे रहा हूं बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन ताकि आपको समझ आ जाए ठीक है तो ज्योग्राफी है क्या बेसिकली ज्योग्राफी आप उन सभी फिजिकल चेंजेस को कहेंगे जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर हो रहे हैं ठीक है वो सभी चेंजेस जो अर्थ की सरफेस के ऊपर हो रहे हैं वो जियोग्राफी हैं, सिंपल एज दैट ठीक है अब इस डेफिनेशन को आप जो है वो ध्यान रखें क्योंकि अभी आज ही के टॉपिक में आगे जब मैं आपको ये सब स, सब टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूंगा तो मैं ये चेंजेस आपको समझाऊंगा ना अगर आपने मेरे साथ मेरी हिस्ट्री की सीरीज लगाई है तो आप जानते हैं कि हमने कितना एम्फोसिस दिया था टू द प्रोसेस ऑफ चेंज के कॉन्सेप्ट को और वही चेंज जो है वो हमें जोग्राफी में भी देखने को मिलेगा ठीक है सिंपल एज दैट जो भी चेंज आपको सरफेस पर अर्थ की सरफेस के ऊपर ठीक है जो भी स्पेस है सरफेस के ऊपर जितना भी स्पेस है ना राइट right? उस स्पेस में जो भी आपको चेंजेस right? so, तो आपको और क्लियर हो जाएगी बट अब वापिस आते हैं जो मैंने कहा था कि इजिली हम किस तरह बांट सकते हैं ठीक है तो मैंने कहा कि ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट ठीक है और उन कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना है सबसे पहले और फिर उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है इंडिया और वर्ल्ड पर सिंपल एज दैट ठीक है इस तरह हम ज्योग्राफी को प्रिपेयर कर लेंगे और कॉन्सेप्ट क्या क्या है सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि कि अर्थ की रोटेशन अर्थ का रेवोल्यूशन ठीक है अर्थ का एक्सेस अर्थ का टिल्ट लेटीट्यूड लॉन्जीट्यूड टाइम जोन ये सारी चीजें जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आप रखेंगे ठीक है

तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ जोग्राफी अदर देन दैट मैंने बोला ना देखिए चेंजेस आते हैं मैंने बोला अर्थ की सरफेस पर जो चेंजेस आ रहे हैं अर्थ की सरफेस पर चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में ओशियन पर सॉयल में चेंजेस आ रहे हैं ठीक है अर्थ की सरफेस पर जो है वो वेदर के क्लाइमेट के चेंजेस आ रहे हैं राइट लेकिन उसके अलावा अर्थ की सरफेस पर पॉपुलेशन भी तो है जनता भी तो है तो जनता माइग्रेट भी तो कर रही है जनता की लिटरेसी बढ़ और घट भी तो रही है फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया में लिटरेसी कम साउथ इंडिया में लिटरेसी ज्यादा तो एक बढ़ना और घटना भी तो है तो लिटरेसी भी तो मूव कर रही है ना ठीक है पॉपुलेशन मूव कर रही है ठीक है अगर पॉपुलेशन की हेल्थ यानी पॉपुलेशन जोग्राफी ह्यूमन जोग्राफी या पॉपुलेशन जोग्राफी भी क्या है एक कॉन्सेप्ट है राइट right? क्योंकि ये भी चेंज हो रहा है ना पॉपुलेशन के साथ उनकी मान लीजिए उनकी लिटरेसी उनका हाइट उनका वेट उनकी हेल्थ समझ रहे हैं ये सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं जोग्रफ़िकल क्या बोलते हैं सरफेस के ऊपर अलग अलग जगहों पर है ना मतलब जैसे अगर आप अलग अलग लैंडस्केप्स की बात करें कि आइलैंड पर पेनज्वला पर सेमी एरिड जोन पर ट्रांस हिमालय पर मिडल हिमालय शिवालिक रेंज पर समझ रहे हैं अगर इंडिया की बात करें जो प्लेन है इंडिया का वहाँ पर प्लेट्यू रीजन में इंडिया से बाहर आ जाएँ तो कॉन्टिनेंट वाइज देख लीजिए कंट्री वाइज देख लीजिए रीजन वाइज देख लें तो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं पॉपुलेशन पॉपुलेशन में वो ज्योग्राफी है लेकिन वो है तो चेंजेस ना अर्थ की सरफेस के ऊपर वी विल कंसीडर दैट इन टू ज्योग्राफी ठीक है यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ जाएगा आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी के साथ दैट इज एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच आपको बनती हुई नजर आ जाएगी इकोनॉमी के साथ पॉपुलेशन ज्योग्राफी आपकी हिस्ट्री के साथ जुड़ती हुई नजर आ जाएगी पॉपुलेशन जोग्राफी ही आपकी पॉलिटी के साथ भी जुड़ती हुई नजर आ जाएगी सोशियोलॉजी के साथ तो जुड़ी रही है एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी जुड़ रही है ठीक है उसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लाइमेटोलॉजी ये अदर फिजिकल साइंस के साथ जुड़ेंगे सो दैट मींस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी हम रखेंगे ठीक है so सो मैंने आपको बोला ना इंटर और इंट्रा अप्रोच तो डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा बट आसानी से बिल्कुल आसानी से समझना है ज्योग्राफी को तो हमें ज्योग्राफी के सबसे पहले समझना है कॉन्सेप्ट अब ये कॉन्सेप्ट को ही हम कह देते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ठीक है और कॉन्सेप्ट में मतलब एक कॉन्सेप्ट में फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी साइड ह्यूमन ज्योग्राफी है ना या पॉपुलेशन ज्योग्राफी या ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दीज ऑल और दी आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी और फिर इन कॉन्सेप्ट को जब हम समझेंगे और फिर अप्लाई करेंगे इन कॉन्सेप्ट को इंडिया और पूरे वर्ल्ड पर ठीक है पूरे वर्ल्ड को तो समझेंगे ही और हम भारत के निवासी हैं इंडिया के लिए हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम इंडिया के लिए अलग से समझेंगे ठीक है सो आई होप ये आपको समझ आया होगा अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लाइमेटोलॉजी ऑशियनोग्राफी जियोमार्फोलॉजी इंडियन जोग्राफी इनमें हमें पढ़ना क्या क्या है ठीक है एंड देन अगले सेशन से मैं सिलेबस शुरू कर दूंगा ठीक है तो आपको समझ आया अच्छा जी आगे बढ़ाते हैं कहानी को अब बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की एक एक करके पिक करते हैं सो so, बेसिक है ज्योग्राफी की सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे उसमें सबसे पहली चीज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपने लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझा होगा एनसीईआरटी में पढ़ा होगा जरूर उसके अलावा लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या लेना देना है स्टैंडर्ड टाइम जोन और अदर टाइम टाइम जोन क्या है इंटरनेशनल डेट लाइन मोशन ऑफ अर्थ ठीक है मोशन ऑफ अर्थ की वजह से डे और नाइट कैसे होता है समर सोलिटिस विंटर सोलिस्टिंग क्या से होते हैं क्लाइमेट और वेदर पर क्या असर है इनका तो इन सब में हम हम सबसे पहले बेसिक बेसिक एस्टेब्लिश करेंगे क्योंकि पर सवाल जो है वो बन जाते हैं 2019 में ही मोशन ऑफ अर्थ पर यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया था ज्योग्राफी में से ठीक है और एनसीईआरटी में से ही निकलकर वो सवाल आया था नाउ अब दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि हमें पढ़ना क्या है ठीक है तो मैं आपको हमेशा की तरह क्या बोलता हूं एनसीआरटीज पढ़नी है आपको ठीक है बाकी आप मुझ पर छोड़ दें बाकी मैं टॉपिक स्पेसिफिक किस रेफरेंस बुक में से कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा वो मैं आपको बताता रहूंगा आपको अपनी तरफ से एनसीआरटीज प्रिपेयर रखनी है छठी से बारहवीं ठीक है अपनी तरफ से आपको सिक्स से ट्वेल्थ तक और मैं हर टॉपिक में बता दूंगा आपको ठीक है हर टॉपिक में आपको मैं बता दूंगा कि किस एन का कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है आपको अपनी तरफ से एनसीआर दुरुस्त रखनी है उसके बाद रेफरेंस बुक्स कौन सी रेफरेंस बुक में से कौन सा चैप्टर आपको तैयार करना है वो मैं आपको अलग से बताता रहूंगा ठीक है रेस्ट कॉन्सेप्ट सब मैं आपको समझाऊंगा उन कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन इंडिया और वर्ल्ड पर हम करके देखेंगे ठीक है देखिए कॉन्सेप्ट समझना एंड देन उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना क्योंकि ज्योग्राफी इज अ साइंस ठीक है इट्स नॉट ए ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ज्योग्राफी एक साइंस है ठीक है तो किसी भी साइंस को हम कैसे जो है वो अप्रोच करते हैं उस साइंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसको हम अप्लाई करते हैं या मैथमेटिक्स में भी यही होगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं देन वी अप्लाई दैट सो साइंस का एप्लीकेशन अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें देखना पड़ता है सो so, ज्योग्राफी एक को एक साइंस की तरह हम ट्रीट करेंगे दैट मीन उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके उसकी हम एप्लीकेशन देखेंगे तो अगर आप किसी भी साइंस को पढ़ रहे हैं ट मैटर किसी भी साइंस के सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो यही आप जो है वो फिलोसफी रखेंगे पढ़ने की अपनी कि आप कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देन एप्लीकेशन देखेंगे so आप में से जो मेरे फ्रेंड साइंस बैकग्राउंड के होंगे वो समझते होंगे इस कॉन्सेप्ट को ठीक है ना नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आएगा क्लाइमेटोलॉजी एंड वी विल स्टार्ट आवर सिलेबस विद क्लाइमेटोलॉजी क्योंकि एज फार एज प्रम्स इज कंसर्न क्लाइमेटोलॉजी एंड नॉट जस्ट प्रिलिम्स लेकिन मेन्ज में भी क्लाइमेटोलॉजी से सबसे ज्यादा सवाल बनते हुए आपको नजर आते हैं ठीक है सो क्लाइमेटोलॉजी में बेसिकली क्या है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर सारी एटमोस्फेरिक लेयर्स के बारे में समझाऊंगा और फिर उसमें जितना भी उठा पटक हो रही है उन एटमोस्फेयर ठीक है यानी कि सन की रेज आ रही है इंसोलेशन हो रहा है इंसोलेशन से हीट कैसे डेवलप हो रही है और उस हीट का बजट क्या है ठीक है हीट पैदा होगी तो उससे समझ रहे हैं प्रेशर डिफरेंस पैदा होगा तो विंड सिस्टम डेवलप होंगे ठीक है उसके अलावा कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन साइक्लोन एंटीसाइक्लोन जेट स्ट्रीम वेदर एंड क्लाइमेट वी विल बी कवरिंग दिस अंडर क्लाइमेटोलॉजी वी विल स्टार्ट विद क्लाइमेटोलॉजी और हमारी अप्रोच क्या होगी हमारी अप्रोच होगी प्री प्लस मेन्स राइट स्टेटिक प्लस डायनामिक्स और तीसरा

प्रेशर विंड सिस्टम इनकी अच्छी समझ नहीं होगी तो आपको साइक्लोन्स अच्छे समझ नहीं आएंगे ठीक है? और इंट्रा डिसिप्लिनरी क्या है आपको साइक्लोन्स तभी अच्छे से समझ आएंगे जब आपको ओशियोनोग्राफी क्लियर होगी आपको अलग अलग क्योंकि साइक्लोन्स आपको मोस्टली ओशियन सीज में से उठते हुए नजर आते हैं ठीक तो है तो यह है इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच अगर ओशियोनोग्राफी आपकी क्लियर है ठीक है

ओशन के फ्लोर में हमें क्या क्या मिलता है ओशन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल बनते हैं ठीक है लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया ना सबसे ज्यादा सवाल बनेंगे क्लाइमेटोलॉजी देन सवाल बन सकते हैं ओशियन में से क्योंकि ओशियन में से ओशियन करंट्स में से सवाल बनते हैं ब्लू इकॉनमी यूएनसीएलओ एस इन पर जो है वो सवाल जरूर बनते हैं ठीक है डायनामिक इनकी यूएनसीएलओ एस की जितनी भी जो है वो आ, क्या बोलते हैं इनकी मीटिंग्स जो हुई हैं और इन्होंने जो भी रेजोल्यूशन आगे रखे उन हैं उन सबको हमें समझना है ओशियंस के लिए ओशन पॉल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है ठीक है समझ रहे हैं वेस्ट डिस्पोजल जो इंसान अपना करता जा रहा है और वो ओशियन तक पहुंच रहा है वो ओशियनिक लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है ठीक है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए भी लेकिन प्री में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है क्लाइमेटोलॉजी तो अगर आप प्री के लिए तैयार कर रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा और अगर आपके पास समय कम है या मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर इतने कम समय में मैं किस टॉपिक को रिवाइज करूं तो क्लाइमेटोलॉजी को रिवाइज कर लो ठीक है इसका मतलब यह नहीं है जब आपके पास भरपूर समय हो तो पूरा सिलेबस हमें कवर करना है और मैं अपनी तरफ से आपको पूरा सिलेबस ही करवाऊंगा लेकिन जब आपके पास समय कम हो तो उस समय अगर आपको दुविधा हो कि किस सब्जेक्ट को किस टॉपिक को मैं रिवाइज करूं तो क्लाइमेटोलॉजी गो फॉर क्लाइमेटोलॉजी ठीक है क्लाइमेटोलॉजी के प्री प्लस मेन्स के कॉन्सेप्ट स्टैटिक प्लस डायनेमिक इंटर प्लस इंट्रा ठीक बेसिकली क्या है देखिए ओरिजिन ऑफ अर्थ अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम ऑरिजन ऑफ यूनिवर्स और अर्थ एंड लाइफ टॉपिक से जो है वो शुरू करें लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि क्लाइमेटोलॉजी परसेंटेज वेटेज ज्यादा है इसीलिए मैं क्लाइमेटोलॉजी को पहले लेकर आया हूं उसमें टॉपिक्स भी ज्यादा बड़े हैं लेंदी हैं इसीलिए मैं उस टॉपिक को पहले लेकर आया हूं ठीक है उसके अलावा इंटीरियर ऑफ अर्थ अर्थ के अंदर डिफरेंट लेयर्स और कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन क्या है कॉन्टिनेंट्स ने ड्रिफ्ट कैसे किया ठीक है सी फ्लोर स्प्रेड कैसे हो रहा है ठीक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी क्या है वॉलकैनोज कैसे एस्टेब्लिश होते हैं अर्थक्वेक्स बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी जुड़ेगा वर्ल्ड कैनोज बहुत इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी जुड़ेगा ठीक है उसके अलावा वेदरिंग मास मूवमेंट एरोजन सॉइल फॉर्मेशन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स कैसे क्रिएट होते हैं तो जियो मार्फोलॉजी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट मैंने आपको कहा ना कि क्लाइमेटोलॉजी से सबसे ज्यादा सवाल बनता है देन ऑशियोनोग्राफी देन जियोमार्फोलॉजी बट दैट डजेंट मीन कि हमें जियोमार्फोलॉजी नहीं समझना क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी आप अच्छे से समझेंगे इंटर अप्रोच जियोमॉर्फोलॉजी अच्छे से समझेंगे ठीक है समझ रहे हैं आप सी फ्लोर की स्प्रेडिंग को आप अच्छे से समझेंगे ओशियन मूवमेंट को आप अच्छे से समझ पाएंगे ओशियन फॉर्मेशन को आप अच्छे से समझ पाएंगे ओशियन करंट को आप अच्छे से समझ पाएंगे ठीक है साथ ही में क्लाइमेटोलॉजी को समझने में आपको और ज्यादा मदद करेगी क्योंकि कॉन्टिनेंट कैसे बने हैं कोई लैंडमार्क कैसे बना है उससे क्लाइमेट पर क्या असर है राइट ओशियनोग्राफी जियोमोर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी तीनों को जोड़कर पढ़ना इज इंट्रा अप्रोच ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इंडियन में से क्या निकलेगा तो लोकेशन एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री निकलेगी है ना इंडिया कैसे बना जो इंडियन पेनिजुलर पार्ट है वो यूरेशियन प्लेट से आकर टकराया कब टकराया क्यों टकराया तो वो समझने के लिए समझ रहे हैं अब ये एप्लीकेशन है हमने जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझी हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझा जब उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समझकर हमने अप्लाई किया इंडिया पर कि अच्छा अगर कॉन्टिनें जैसे प्लेट्स अगर टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करी हैं तो हम देखेंगे फिर इंडिया कैसे फॉर्म हुआ है फिर हम देखेंगे फॉल्ट लाइन कहां कहाँ अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आ सकता है इंडिया में ठीक है अर्थक्एक प्रोन जोन जो है वो इंडिया में देखेंगे फिर हम देखेंगे पेनिचुलर पार्ट में नहीं आना चाहिए अर्थक्वेक ठीक है बट स्टिल अर्थक्वेक पेनिचुलर पार्ट में आए हैं कारण समझेंगे ठीक है उसके अलावा फिजियोग्राफी समझ रहे हैं? जब आप माउंटेन्स को डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को समझ जाएंगे अच्छे से तो आप जब आप ओशियनोग्राफी को समझ लेंगे जब आप क्लाइमेट को समझ लेंगे तो आप बहुत आसानी से भारत के फिजियोग्राफी को समझ रहे हैं वो सारा कॉन्सेप्ट था जियोमार्फोलॉजी ओशियनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी में हमारा कॉन्सेप्ट तैयार होगा देन वी विल अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट टू इंडिया और हम समझेंगे उस हिसाब से फिर इंडिया की जियोग्राफी कैसे काम कर रही है ठीक है फिजियोग्राफी कैसे काम करिए ड्रेनेज बहुत ही ज्यादा देखिए प्रिलिम्स में इंडियन जोग्राफी पर सवाल जो है वो बनेगा ही बनेगा ही दो से तीन सवाल मानकर चले और ड्रेनेज पर सवाल बनेगा ही बनेगा गुड परसेंट है ठीक है चांस की ड्रेनेज पर क्वेश्चन बने तो पिछले ही टॉपिक अगर आपने हिस्ट्री ऑप्शन का मेरा टॉपिक लगाया है तो मैंने उसमें आपको बेसिन से दिखाए थे कुछ ठीक है गंगा का बेसिन इंडस का बेसिन नर्मदा का तापी का गोदावरी का कावेरी का कृष्णा का तुंग भद्रा का मतलब अलग क्यों नहीं है कृष्णा मतलब साथ में क्यों है कृष्णा के भीमा और तुंग भद्रा का जो है वो अलग क्यों नहीं है राइट सो दैट मीन्स ट्रिब्यूटरीज रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मत घबराइए राज्य व राज्य ठीक है राज्ये राज्ये, बेसिन बाय बेसिन उठाऊंगा और राज्य बाय राज्य उठाऊंगा है ना स्टेट बाय स्टेट ठीक है उसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी जब हम अच्छे से समझ लेंगे कॉन्सेप्ट को तो हम इंडिया पर अप्लाई करेंगे इंडिया के पूरे क्लाइमेट को अच्छे से समझेंगे और यहां से हमें हिस्ट्री समझने में भी मदद आएगी मैंने पिछले ही टॉपिक में बताया था है ना हिस्ट्री ऑप्शनल का जो मैंने टॉपिक लिया है उसमें मैंने आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बताई थी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कैसे कनेक्ट करना है तो हम इंडिया के क्लाइमेट को बहुत प्रिमेटिव टाइम से उठाएंगे कैसे कैसे डेवलप हुआ है क्लाइमेट लेकिन वो समझने के लिए इंडिया पर अप्लाई करने के लिए हमें पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा हेंस वी विल स्टडी क्लाइमेटोलॉजी फर्स्ट राइट उसके अलावा इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कैसे हुआ तो वो लैंडफॉर्म जब हम कॉन्सेप्ट लैंडफॉर्म का कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे हम उसके अलावा क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट ड्रेनेज का सिस्टम समझ लेंगे तो नेचुरल वेजिटेशन हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी जैसे मैंने पिछले टॉपिक में आपको आ, क्या बोलते हैं रेनफॉल बताई थी एवरेज है ना हिस्ट्री ऑप्शनल वाला टॉपिक जिन बच्चों ने लगाया था वो जानते होंगे नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट तक मैंने आपको रेन का पैटर्न बताया था और हमने देखा था कि धीरे धीरे जंगल का घनत्व जो है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन तक बढ़ रहा है फिर हमने पॉपुलेशन मूवमेंट को भी समझा था दैट इज आर इंटर एंड इंट्रा डिसिप्लिनरी यही तो है इंटर और इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच ठीक है यही कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में डेवलप्ड वेल डेवलप्ड होने चाहिए आगे बढ़ते हैं उसके अलावा और क्या पढ़ेंगे हम तो ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जोग्राफी जो हमारा जोग्राफी वाला पार्ट इकोनॉमी से जुड़ता हुआ बहुत नजर आएगा यहां पर ओवरलैपिंग जो है वो इकोनॉमी टॉपिक से होती हुई मिलेगी हमें जीएस थ्री के साथ तो जब हम जीएस थ्री स्टडी करेंगे जब हम ये टॉपिक अच्छे से कवर कर चुके होंगे और जब हम जीएस थ्री में एग्रीकल्चर वाले पार्ट में एंटर करेंगे ठीक है ह्यूमन डेवलपमेंट वाले पार्ट में रिसोर्सेज ऑफ वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया इंडस्ट्रीज वगैरह वाला पार्ट जब हम जीएस थ्री के लिए कवर कर रहे होंगे तो हमारी समझ और बेहतर होगी क्योंकि हम ऑलरेडी जीएस वन में कवर कर चुके हैं उसे ठीक है ना सॉयल इंडिया की पॉपुलेशन पॉपुलेशन से रिलेटेड सारी चीजें है ना पॉपुलेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आप कंसिडर मतलब आप लिस्ट कर सकते हैं आप मुझे कमेंट में लिस्ट करके बताएं उन सभी को पढ़ेंगे मत घबराइए ह्यूमन डेवलपमेंट सेटलमेंट एंड माइग्रेशन देखेंगे वर्ल्ड का एज वेल एज इंडिया का भी ठीक है माइग्रेशन पैटर्न से समझेंगे बिल्कुल सिम्प फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सी बात है जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं गडरिया कम्युनिटी से हूं तो हमारे यहाँ बिल्कुल बेसिक माइग्रेशन होता है कि जब सर्दियां बढ़ जाती हैं तो हम पहाड़ों की रिलेटिव पहाड़ों से मतलब नीचे आ जाते हैं अपने जानवरों को लेकर ठीक है हम प्लेन में जो है वो अपने जानवरों को चराते हैं और जब गर्मियां आती हैं तो हम पहाड़ों की तरफ ले जाते हैं वापस तो ये बिल्कुल सिंपल माइग्रेशन है तो जहां जहां पर भी इंडिया में माउंटेन रीजन है यानी कि थ्रू आउट हिमालय में जितनी भी पासिस हैं प्लेन से लेकर पहाड़ों के बीच में ठीक है वहां पर आपको पॉपुलेशन के माइग्रेशन देखने को मिलेंगे ठीक है नॉट जस्ट पहाड़ लेकिन और भी बहुत सारी जो है वो माइग्रेशन के पैटर्न समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अलावा पूरी दुनिया के रिसोर्सेज नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज उनको समझेंगे इंडिया के नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज इंडिया में कितनी इंडस्ट्रीज कहाँ कहां पर सेट हैं इंडिया का ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज वेल एज पूरे वर्ल्ड का समझ रहे मैंने बोला ना कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है कॉन्सेप्ट इंडिया और वर्ल्ड दोनों पर अप्लाई करेंगे हम सो so, कॉन्सेप्ट है सॉयल पॉपुलेशन ये सब कॉन्सेप्ट है ठीक है एंड वी विल अप्लाई सॉयल टू इंडिया और वर्ल्ड का भी समझेंगे पॉपुलेशन इंडिया वर्ल्ड की भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिया वर्ल्ड की भी समझ रहे हैं हमेशा से मैं बोलता आया हूं वट वी हैव टू डेवलप वी हैव टू डेवलप अ ग्लोबल प्रस्पेक्टिव प्रोग्रेसिव प्रस्पेक्टिव क्या है ग्लोबल प्रस्पेक्टिव इज प्रोग्रेसिव हमें केवल अपने गली कूचे गांव शहर तहसील अपना डिस्ट्रिक्ट अपना राज्य अपने देश को कंसीडर नहीं करना है हमें पूरे ग्लोबल इवेंट्स को कंसीडर करना है तो हम ज्योग्राफी को कॉन्सेप्ट में समझेंगे और फिर उन कॉन्सेप्ट्स को हम ग्लोबली भी अप्लाई करेंगे और इंडिया पर भी अप्लाई करेंगे तब जाकर हमारा जो है वो एक प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट तैयार होगा और मदद क्या मिलेगी फायदा क्या होगा फायदा होगा इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में इकॉनमी के आंसर देने में समझ रहे हैं आप यानी कि वर्ल्ड लेवल के और जो टॉपिक्स इंटरनेशनल लेवल के और जितने भी टॉपिक्स जो है वो यूपीएससी पूछता है जीएस में उनको समझने में भी मदद मिलेगी दैट इज इनफैक्ट द इंटर एज वेल एज इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच ठीक है सो आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आ रहा होगा ये सब उसके अलावा लास्ट में हम करेंगे मैपिंग मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सो मैपिंग वर्ल्ड मैपिंग में सभी कॉन्टिनेंट्स को छान डालेंगे उनमें सभी कंट्रीज को छान डालेंगे ठीक है सभी ओशियंस उनमें छुपे हुए सीज उसके अलावा स्ट्रेट्स सीज बेज गल्फ इंडिया की मैपिंग करेंगे थरो इंडिया के लिए जो मैं, इंडिया की ज्योग्राफी जब जो मैं करा रहा हूँ तो साथ में इंडिया की मैपिंग हो जाएगी इनफैक्ट मैपिंग पर मेरा खासा जोर रहेगा ठीक है आंसर राइटिंग पर मैपिंग में होगा मेरा सबसे ज़्यादा जोर सभी चीज़ जो भी कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा रहा हूँ वो मैं मैप के माध्यम से ही समझाऊंगा आपको मैप हम बनाना भी सीखेंगे हाथ से भी बनाना सीखेंगे मैप्स को ठीक है आंसर राइटिंग में मैप्स को कैसे इंक्लूड किया जाता है सो so, मैपिंग तो हमारा जो है वो सितारा रहेगा एंड फॉर देट मैटर मैपिंग हर जगह पर हिस्ट्री के लिए भी मैपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मैपिंग करनी आनी चाहिए कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट अगर आपको समझाना है अगर आप मैप के माध्यम से समझाते हैं तो आंसर में चार चांद लग जाते हैं ठीक है मतलब मार्क्स आपको ज्यादा मिलने की संभावना बढ़ जाती है ठीक है उसी तरह ज्योग्राफी में आपको मैं मैपिंग बहुत ज्यादा क्लियर कर दूंगा राइट क्योंकि कोई भी चीज हम मैंने क्या बोला कॉन्सेप्ट है और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो धरती पर होता हुआ दिखाऊंगा मैं आपको मत घबराइए बहुत मजा आएगा हमें राइट सो so, इस तरह हमारा आज अच्छा इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी तो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी को मैंने आपको क्या बोला कि मैं अलग से पढ़ाऊंगा ठीक है ज्योग्राफी वाला पार्ट पूरा कवर करूंगा देन वी विल मूव टुवर्ड्स इन्वायरमेंट इकोलॉजी और तब हम इकोसिस्टम सिस्टम बायोडावर्सिटी पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज डिजर्टिफिकेशन एंड फॉरेस्ट कन्वर्जन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझ सकेंगे उसके अलावा एनवायरमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी आप टॉपिक जोड़ दें तो वो भी आप रख सकते हैं बट फर्स्ट वी विल कवर जोग्राफी ठीक है सो जोग्राफी में क्या क्या है हमारे पास जैसा कि मैंने आपको कहा ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन वी विल कॉन्सेप्ट अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट ऑन इंडिया एज वेल एज द होल वर्ल्ड और कॉन्सेप्ट क्या क्या है कॉन्सेप्ट हैं आपके बेसिक हैं सबसे पहले तो फिर उसके बाद आपकी क्लाइमेटोलॉजी करवाऊंगा मैं ओशियोनोग्राफी जियोमोर्फोलॉजी और फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी ठीक है एंड आल्सो मैपिंग इन सभी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे एंड देन वी विल अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट एज वेल एज दी वर्ल्ड और हम साथ में क्या लेकर चलेंगे अप्रोच हमारी अप्रोच हमारी होगी प्री प्लस मेन्स ठीक है पहली दूसरी स्टैटिक प्लस डायनेमिक और तीसरी इंट्रा प्लस इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच ठीक है सो आई होप जोग्राफी का सिलेबस आप लोगों को जो है वो समझ आया होगा आई होप आपको समझ आया होगा कि हमारी पढ़ने की पढ़ाने की फिलोसफी क्या रही अच्छा उसके साथ और क्या क्या करेंगे हम ठीक है बोनस में क्या क्या होगा लाइव सेशन जो मैं लेकर आता हूं आप जानते हैं स्पेशल में उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री के लगभग बीस पच्चीस साल के ठीक है बीस ईयर मान के चलिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के आप मान के चलिए कि लगभग दस साल के हम मेंस के कर लेंगे क्वेश्चन ठीक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो मैं ऑल्सो ऑप्शनल ज्योग्राफी से भी उठा कर लाऊंगा ठीक है ताकि क्योंकि देखिए ज्योग्राफी ऑप्शनल में जो सवाल बन रहा है वो पूछा जा सकता है जीएस में और वो पूछा जाता है कन्वीनियंटली पूछ लेता है यूपीएससी इंटरचेंजली जीएस में जो सवाल पूछा है वो ऑप्शन में पूछ लेता है ऑप्शनल में जो पूछा है वो जीएस में पूछ लेता है तो हम ऑप्शनल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए रखेंगे ठीक है क्योंकि कहीं कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऑप्शनल में बहुत डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है और जीएस में बहुत घुमा के सवाल पूछा जाता है बट ऑप्शनल के जो क्वेश्चन है वहां से हमारे कॉन्सेप्ट हमें बनते हुए नजर आएंगे कि किस कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कहां पर सवाल बन रहे हैं तो ऑप्शनल के क्वेश्चन को भी हमें इग्नोर नहीं करना है लेकिन सिलेबस में नहीं जाना ऑप्शनल के ऑप्शनल के क्वेश्चंस को जरूर पकड़ कर रखना है सो दैट इज फॉर पी क्यू कहां करेंगे हम लाइव सेशंस में उसके अलावा आप जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं बोथ प्री एज वेल एज मेंस और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं रखूंगा मैं कौन से ऑप्शनल वाले क्वेश्चन ऑप्शनल में जो टॉपिक पर क्वेश्चन बने उनको मैं में अलग अलग राज्यों में जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पूछा जाता है वो क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में या जीएस में भी ज्योग्राफी से रिलेटेड क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं तो वहां से हम सवाल एमआई क्यू में करेंगे ठीक है सो पीवाई क्यू एमआई क्यू आप अच्छे से जानते हैं राइट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन विद हैविंग द अप्रोच ऑफ प्रिपेयरिंग इन द व्यू ऑफ मेन्स एंड ऑल्सो प्री उसके अलावा स्टैटिक और डायनेमिक्स को प्रिपेयर करते हुए चलेंगे हर कॉन्सेप्ट के इंट्रा और इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर चलेंगे ठीक है इस तरह अगर आप जोग्राफी को प्रिपेयर करेंगे तो प्रिलियम्स एज वेल एज मेन्स में कोई नहीं रोक पाएगा आपको एक्सेल करने से ठीक है और बशरते हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जब मैं आई यहां पर स्पीड और पर हम काम करेंगे. आपको मैं अच्छे से so, यहां पर होता है हमारा आज का ये टॉपिक खत्म बेसिक इंट्रोडक्शन था जस्ट मैंने आपको समझाया कि हमारी अप्रोच जो है वो क्या रहने जा रही तो अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि हम कैसे पढ़ते आए हैं और आगे भी हम कैसे धूमधाम से पढ़ेंगे लेकिन यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या होगा कॉन्सेप्ट समझना और उसको इंडिया और वर्ल्ड पर अप्लाई करना सिंपल एज दैट ठीक है कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक क्लाइमेटोलॉजी ओशियनोग्राफी जियोमोर्फोलॉजी बायोलॉजिकल या बायो जोग्राफी यानी इकोलॉजी इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन जोग्राफी इन सारे कॉन्सेप्ट को फिर हमें इंडिया और वर्ल्ड पर अप्लाई करना है साथ में हमें प्री प्लस मेन्स को ध्यान में रखना है और स्पेशली हमारा ध्यान मेन्स पर होगा और उसके अलावा स्टैटिक डायनामिक इंट्रा और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच राइट सो आई होप आपको समझ आ गया होगा दस परसेंट डिस्काउंट अगर आप चाहते हैं तो कोड यूज करें मेरा चौहान सर हिस्ट्री दो महीने के लिए जो है वो प्लान अवेलेबल है पंद्रह हजार रुपए वाला जिसमें आप फिलिम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर सकेंगे मेक श्योर यू सब्सक्राइब दैट बाय यूजिंग माय कोड चौहान सर हिस्ट्री उसके अलावा जीएस प्लस ऑप्शनल पर कॉम्बो ऑफर अभी चल रहा है प्राइस ऐसा ना हो कि बढ़ जाए ठीक है सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दैट वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में अगली वीडियो में हम क्या शुरू करने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं आप सीधा हम टॉपिक शुरू कर देंगे ठीक है तो मिलता है अगली वीडियो में ध्यान रखिए तब तक अपना टेक केयर अ नाइस डे